नहा लिया क्या बेटा? हाँ नहा लिया माँ। ये क्या है माँ? मेरे बेटे के लिए माँ की तरफ से ये तोहफा है। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? पसंद आया माँ, लेकिन इस हालात में इन चीजों की क्या जरूरत है? गरीब के जीवन में हमेशा दुख होता है, ये सब देखते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जी पाएंगे? बताओ बेटा, हमारी जिंदगी तो ऐसी ही होती है ना। तुम्हारे लिए अगर इतना भी नहीं करूँगी तो फिर क्या है बेटा? पढ़ाई करो, नींद लो, पेट भर के खाना खाओ, बाकी तो सब जिंदगी में चलता ही रहता है बेटा। जाओ अभी पेन कराओ। बात वो नहीं है माँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हें एक बात पता है क्या, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करती या खरीदती हूँ तो इतनी तकलीफों के बाद भी मुझे एक अलग सी खुशी का एहसास होता है बेटा। ये सब तुझे समझ में नहीं आएगा। आप नारियल खाओगी क्या? सूर्या इधर आओ ना, आओ ना। माँ एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। Many more happy return of the day, Surya. Thank you. Same to you. Welcome. हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पता चला कि आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है, तो मुझे मेरे जन्मदिन से ज्यादा तुम्हारे जन्मदिन के लिए खुशी हो रही है। हाँ। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। किसे ढूंढ रहे हो? वाटर कह रहा था कि माँ आई है। वो माँ नहीं, महालक्ष्मी आई है। मैंने ही वाटर से ऐसा बोलने के लिए कहा था। क्या हुआ? जैसे ही तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है मेरे अंदर 1000 वाट्स पावर दौड़ गया है, और इस फीलिंग से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा महा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुमने तो बता दिया, मैं कह नहीं पाई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पता है तुम्हें। आधी रात को तुमसे मिलने का मन किया। अगर मुझ में पंख होते तो मैं उड़कर तुमसे मिलने आ जाती। बस हर वक्त तुम्हारी यादों में रहती हूँ। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ। खाना खाती हूँ लेकिन क्या खाया होश नहीं रहता। आईने के सामने खड़ी होकर तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है वो देख देख कर पहनती हूँ। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तुमसे बात कर रही हूँ ये सोचकर अपने आप से बातें करती हूँ, जागती रहती हूँ। तुम जो बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है माँ? तुमसे कुछ और बातें करनी थी या कुछ और ही कह रही हो? अच्छा तुम NSS कैंप में आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ, स्कूल में ये मौका नहीं मिलेगा इसलिए मिस नहीं करना चाहता। समझी, तुम आ रही हो ना? बोलो माँ। सूर्या जहाँ रहेगा ये महालक्ष्मी वहाँ रहेगी। महालक्ष्मी वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ। आ रही हूँ टीचर, टीचर बुला रही है। ठीक है जाओ। हमेशा माँ को आवाज देते हुए घर के अंदर आता है। आज क्या बात हो गई? क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। नहीं है? लेकिन तेरा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा। तेरे बारे में मुझे पता नहीं है क्या? स्कूल में सभी बच्चे कैंप जा रहे हैं, तू नहीं जा पाएगा। इतना ही ना, रास्ते में मैं त्रिमूर्ति मास्टर जी से मिली थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। इतनी सी बात के लिए तू चिंता क्यों कर रहा है? ये लो बेटा, एकदम खुशी से जाकर आओ। ये कहाँ से आया माँ? आपके काम की बाली कहाँ गई? कोकिला मैम साहब को दिया है मैंने, बस कुछ दिनों में वापस ले लूंगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम आराम से जाकर आओ, तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कौन है बेटा? क्या हुआ बेटा, छोटे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं अपनी जान देकर भी वो तुम्हें दूंगी। इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा बेटा। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता।
तुमसे बातें कर रही हूँ ये सोचकर अपने आप से बातें करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ और सुबह होने के बाद ही पता चलता है कि मैं रात भर सोई ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इसका क्या मतलब है सूर्या? तुम जो कुछ भी बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है महा? सूर्या ने मुझसे जो पूछा मैं खुलकर उसका जवाब नहीं दे पाई। उसी समय मैं बोल दूं ऐसा मन कह रहा था, लेकिन प्यार नाम के शब्द में हम पूरी तरह समा नहीं सकते, इसलिए कुछ दिन तक हम दोनों को खामोश रहना होगा। उससे बढ़कर हम दोनों के लिए और कुछ भी नहीं है। नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। मुझे भी। पर क्यों? पता नहीं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी। पहली बार जिसे देखा था तुम वो महा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तुम्हारे अंदर सारी खूबसूरती है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हर हरकत बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे साथ ने मुझे इतना बदल दिया है, अच्छा लगा क्या? ए सूर्या! इसके लिए तुमने मुझसे प्यार किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महा। तुमने मुझे गलत समझ लिया ना। महा को देखे आज 4 दिन हो गए हैं और ये 4 दिन कैसे गुजरा पता नहीं। एक तरफ महा से मिलना है, महा से बातें करनी है, ये सब सोचकर मन बहुत तड़प रहा है। माँ की हालत और घर की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो दिल कहता है कि महा से कुछ दिन ना मिले तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा, क्योंकि घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। बेटी तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत लगती हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। बेटी वैसे इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? माँ, सूर्या मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हर एक दिन कितना तड़प रही हूँ पता है तुम्हें? तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हर पल में मर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है सूर्या। तुम्हारे बिना जिंदगी जीने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ माँ। तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन तुम मेरी रूह में बस चुकी हो माँ। तुम मेरे साथ रहो। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिल में तुम हो, तुम्हारे रूह में मैं हूँ। मुझसे जब भी मिलने का तुम्हारा मन करे आकर मिल सकते हो। अरे रे रे, क्या हो गया? अरे
अरे ये पैर पे चिटका कैसे लग गया? अरे अब मैं क्या करूं? इसने ऐसा क्या कर दिया? थोड़ा बर्दाश्त करो बेटा, बस थोड़ा सा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। अरे दर्द से चिल्ला रहा है बेटा। अरे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इंसान हो या पत्थर है? इतना मासूम बच्चा है, तुमने उसका पैर जला दिया है? अरे उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो बच्चे नहीं करते हैं? अरे इतना प्यारा बेटा है तुम्हारा, उसको मार दोगी क्या? माँ सूर्या रुको, मैं नीचे आती हूँ। हाँ तुम अंदर कैसे आए? दीवार फांद कर आया हूँ तुमसे मिलने की चाहत में। ये सब बहुत छोटी बात है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये तुम्हें कैसे पता? ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे आवाज दिया मुझसे मिलने आओगे, ऐसा मेरा मन कह रहा था, इसलिए इंतजार कर रही थी। तुम्हें बस गले लगा कर तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है महा। मुझे गले लगा लो और तब तक कसकर पकड़े रहना जब तक मैं मर न जाऊं। मेरे लिए काफी है माँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सूर्या, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूं ना। माँ माँ रुक जाओ माँ, आखिर बात क्या है? देखकर भी नजरअंदाज कर रही हो, इतने दिन कहाँ चली गई थी महा? तुम्हें देखे बिना मैं कितना तड़प रहा था पता है तुम्हें? मुझसे मिलने का और बात करने का तुम्हारा मन नहीं किया क्या महा? मुझसे दूर रहकर इतने दिनों तक कैसे रह पाई तुम? मुझे भूल गई हो क्या? अच्छा कौन हो तुम? क्या कहा, मैं कौन हूँ? यार तुम्हें क्या हो गया है महा? देखो मुझे देखो, मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या महा? तुम जो कोई भी हो, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी महा चाहिए। मैं तुम्हारी महा नहीं हूँ। तुम कौन हो मैं तुम्हें जानती भी नहीं। चल चलते महा। महा रुक जाओ महा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारा सूर्या हूँ महा, तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मेरी रूह में तुम हो, यही कहा था ना तुमने? अरे मुझे भूल जाओ। मुझसे नहीं होगा महा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं एक भी पल नहीं जी सकता हूँ महा। मैंने अपने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी, वो क्या है पता है? तुम्हें देखा, बात किया, प्यार किया, और ये गलतियां करने के बाद आज मैं आप पे खड़ी हूँ। इसे मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी, तुम भी भूल जाओ। मुझे मुझे माफ कर दो सूर्या। तुम्हारी तबीयत खराब है ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। तू जैसा सोच रहा वैसा कुछ नहीं होगा, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है? मेरी आंखों में देख के बोल, मुझे तू चाहिए, यही चाहिए, अभी चाहिए। रुक, छोड़। रुक जा महा। छोड़ हमके, छोड़। Oh!
इसके बारे में गीता नाम की लड़की के अलावा किसी और को पता नहीं। ये बात पूरे शहर में फैल गई। महा की मौत के बाद उसके पापा ने इसके पीछे क्या कारण है ये जाने बिना अपने गुंडों को स्कूल में भेजकर पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया। अगली नोटिस आने तक इस स्कूल में कोई नहीं आएगा ये कहकर गेट में ताला लगाकर स्कूल को सील कर दिया। अगला होने वाला एग्जाम दूसरे स्कूल में करवाया गया। उसके बाद बहुत कुछ हो गया। ये सोचकर भी दिल कांप उठता है। ये हादसा होने के बाद गोपी और उसके फ्रेंड कुमारेशन को हॉस्पिटल में लेकर गए थे। दोनों की मौत हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन दोनों को बचा नहीं पाए। उनके परिवार को क्या तसल्ली दें समझ में नहीं आया। एक माँ बाप के विश्वास के साथ परवरिश किए हुए बच्चे समाज की नींव थे, वो मिट गए। लगभग एक पीढ़ी का अंत हो गया। वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाए। प्यार करने की एक उम्र होती है, उसके लिए परिपक्व होना चाहिए। उसके बाद अगर प्यार हो तो सच्चा होता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो, उसके बाद किसी चीज के बारे में सोचो। हालात के साथ ही मानसिक स्थिति का विस्तार भी होता है। उसके बाद लिया गया फैसला सही होता है। जिंदगी में तुम्हें जिन चीजों की जरूरत होती है, तुम्हारी पढ़ाई और नेकी के बाद ही वो सारी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आनंद से जियो। मुझे माफ कर दीजिए सर, आज के बाद मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा सर। डोंट वरी, कैरी ऑन। सर, सूर्या की माँ का क्या हुआ सर? अभी वो कैसी है सर, और वो क्या करती हैं? कभी कभार उससे मुलाकात होती है। उस दिन भी वो दिखी थी। माँ, क्या बात है बेटा? आपको इस तरह काम करता देख मुझे तकलीफ होती है माँ। आप कहो तो गोपी के साथ 3 घंटे वाटर कैन की डिलीवरी कर दिया करूँ, आपकी मदद हो जाएगी माँ। क्यों बेटा, पढ़ने की उम्र में तुम काम क्यों करना चाहते हो? ऐसा करोगे तो पढ़ाई के पीछे नहीं, दिमाग सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा। माँ है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं कितने और दिन काम कर पाऊंगी बोलो? जब तुम पढ़ाई करके नौकरी पर लग जाओगे तो अपनी माँ को महारानी की तरह नहीं रखोगे क्या?